आज के दिन में जो साल के दौरान 11 कर्तव्य किया था उसमें 10 तक की बात चली थी। 11वां नंबर का कर्तव्य है भव आलोचना। संसार के परिभ्रमण करते करते अपनी आत्मा में अनादि काल के पाप संस्कार है, पाप कर्म और पाप संस्कार। पाप कर्म बुरा लगे वह संसार के सामान्य सज्जन लोगों की बात होती है, अनादि काल के पाप संस्कार और पाप कर्म और ये दोनों के बीच में पाप कर्म बुरा लगे ऐसे संसार में बहुत लोग हैं। थोड़ा बहुत परलोक की जिसके जीवन में डर प्रकट हो गया है कि मरने के बाद कहां जन्म लेगा, शास्त्रों ने बताया है कोई भी गतियों में जा सकते हैं, हाँ कुछ भी बन सकते हैं, आचार्य मरकर चूहा बन सकते हैं, जैनाचार्य चूहा बन जाते हैं, चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती सातवीं नरक तक चले जाते हैं, जैनाचार्य 2000 शिष्यों के गुरु आचार्य मंगू मरकर काल के नाली का भूत बन गए और नाली के भूत के रूप में अपना जीवन पसार करते हैं, मास्कमण के बारे में मास्कमण करने वाला एक महात्मा मरकर चंड कौशिक नाग बन जाते हैं। कैसी पाप संस्कारों की ताकत है, फिर से एक बार लिख के रखो, पाप कर्म दुख देता है, पाप संस्कार दुर्गति देता है। दुख टेम्पररी प्रॉब्लम है, दुर्गति लॉन्ग टाइम का प्रॉब्लम है। एक बार दुर्गति में सरक गए चले गए तो वापस दुर्गति में से वापस सदगति में लौटना अत्यंत दुष्कर हो जाएगा, बहुत दुष्कर हो जाएगा। सदनसीब है गत जन्मों की कुछ साधनाओं की वजह से इस जन्म में हमको वापस सदगति की प्राप्ति हुई, अब वापस ये सदगति अपने हाथ में से सरक गई और बहुत डेलिकेट है, बहुत डेलिकेट, कब हाथ में से सरक जाएगी पता नहीं लगेगा। साधु घणो तपियो हतो धरतो मन विराग, शिष्य ना क्रोध थकी थयो। जिंदगी में एक ही दिन एक ही बार 2 मिनट के लिए गुस्सा किया है, सिर्फ 2 मिनट के लिए, 120 सेकंड का गुस्सा, और 120 सेकंड का गुस्सा का परिणाम क्या, चंड कौशिक नाग जाओ। कर्म की ताकत बहुत भयानक है, बहुत भयानक। जागृत बन जाओ, समझदार बन जाओ। यदि हम पाप संस्कारों से डरते हैं कि जो हमारी दुर्गति करता है, गुस्सा करने के बाद पाप कर्म का बंद होता है लेकिन गुस्सा करने के समय पाप संस्कार को पोषण मिलता है। पाप कर्म का बंद परिणाम से पूरा हो जाएगा, पाप संस्कार वो तो बीमारी बनकर अपने साथ रहेगा। हाँ, पाप कर्म पीड़ा है, पाप संस्कार बीमारी है। पीड़ा और बीमारी में डिफरेंस है। हम पीड़ा से डरते हैं, बीमारी को हम चलाते हैं। हाँ, हमको बीमारी का कोई वेदना नहीं है, कैंसर का मरीज अपने जैसा ही कॉमन लगता है लेकिन उसको कैंसर है, और कैंसर का मरीज कॉमन होने के बाद भी कैंसर की बीमारी की वजह से कोई पीड़ा अभी नहीं है, कैंसर की कोई पीड़ा नहीं, और कैंसर ऐसी कोई पीड़ा जल्दी जल्दी देता नहीं है, वो उठाता ही है सीधा। हाँ, कैंसर की बीमारी में अकस्मात नहीं है, अंत है, डेड एंड आ जाते हैं, और पाप का संस्कार दुर्गतियों में फेंक देगा। शास्त्रों ने उसके लिए भी बात बताई कि यदि पाप के संस्कारों से हमको मुक्त होना हो, भव आलोचना कर लो, पापों का सदगुरु के पास कबूलात कर लो। और इधर लिखा है जिंदगी भर का तमाम कोई व्यक्ति ने संसार में रही हुई तमाम रेती सोना बन जाए, तमाम पहाड़ रत्न बन जाए, और वो पहाड़ की रेती और रत्नों से समग्र धरती को जिनालयों से विभूषित कर दे, जितना पुण्य मिलता है उनसे ज्यादा पुण्य एक बार भव आलोचना लेने से प्राप्त होता है। और इसलिए शास्त्रों ने भव आलोचना सर्वोच्च धर्म बताया है, प्रतिक्रमण वो आलोचना का प्रयास है, जो आलोचना संबंधित वंदिता सूत्र आप बोलते हो आलोचन चल रहा है। चतुर्दशी के दिन आज के दिन अतिचार चलेगा, आप चौथ के दिन अतिचार चलेगा, वो अतिचार में
सब आलोचन को बात बताई है, रेडीमेड है। एक बात है कि आलोचना लेते हमको याद करके दिना लेनी पड़ती है, लेकिन अतिचार में हमारा सब गुनाहों का हम सब सुनकर भी अपनी आलोचना को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए शास्त्रों ने कहा जिंदगी में एक बार प्रत्येक जैन को अपने भवों की आलोचना लेनी चाहिए, फिर हर साल वो भव आलोचना की परंपरा चलानी पड़ती है। ऐसा 11 कर्तव्य साल में एक बार प्रत्येक जैन को कंपलसरी करना, ऐसी बात शास्त्रों ने दिखाई है। उसके बाद अभी कल के 3 कर्तव्य जो बाकी रह गए थे, उस 3 कर्तव्य में तीसरा नंबर का कर्तव्य है, और तीसरा नंबर का कर्तव्य का नाम है क्षमापना। जिन शासन की कुल देवी का नाम जीव दया है, लेकिन जिन शासन की आराध्य देवी जो कोई हो तो क्षमापना है। जिसकी हम पूजा उपासना करते हैं, और परमात्मा महावीर तो बारसा सूत्र में पंक्ति बताते और कहते हैं जो खमई तस्थि आराहना, जो न खमई तस्थि आराहना। जो क्षमा याचना करते हैं उसका ही धर्म आराधना बनता है, जो क्षमा याचना नहीं करते हैं। सिंगल व्यक्ति के लिए फिर से मैं याद कहता हूं, क्षमा कर लो, गांठ खत्म कर लो। हैंड करचिप बिना गांठ का हो या हैंड करचिप गांठ वाला हो, वजन दोनों का सेम ही रहता है, लेकिन उपयोग दोनों तक का बदल जाता है। गांठ वाला हैंड करचिप कुछ काम में नहीं आएगा, और गांठ खुली होगी तो हैंड करचिप पसीना पूछने में काम आएगा। जीवन हैंडकरचिप के जैसा है, और वैर उसकी गांठ है, छोड़ दो मत चलाओ। और जो क्षमा कर लेता है, क्षमापना में जाता है, उसको शास्त्रों ने कहा कि उसका धर्म आराधना में ट्रांसफर होते हैं। मृगावती के पास चंदना ने क्षमा याचना किया, ऐसा दृष्टांत बताते हैं। रात्रि का समय था, अंधेरा था, मृगावती देशना में से लेट आए थे, गुरु ने उसको डांटा, पूरी रात पश्चाताप में गुरु को बोलना पड़ा, उसकी वेदना में पूरी रात पसार करते हैं। मध्य रात्रि होती है, अंधेरा है, सांप निकलता है, और सांप को देख नहीं सके, इतना अंधेरा था, लेकिन चंदना का हाथ उधर था और उसका हाथ मृगावती ने उठाया, चंदना जग जाती। जगने के साथ चंदना कहते क्या कर रही है, गुरुदेव ये सांप निकल रहा था और शायद आपका हाथ लग जाए और आपको काट न ले, इसलिए मैंने आपका हाथ उठाया है। अरे इतना भयंकर अंधेरे में तुझे कैसे पता लगा कि सांप जा रहा है, मैं तुझे नहीं देख सकती हूँ, तू सांप को कैसे देख लिया, कोई ज्ञान हुआ है? और तब मृगावती जी कहते हैं जी गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। कौन सा ज्ञान? और तब मृगावती कहते हैं अप्रतिपाती ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और मैं ये देख सकती हूं। और तुरंत चंदना खड़े हो जाते हैं, क्षमा याचना वापस करते हैं, मैंने जो डांटा वो भगवान को डांटा, वितराग को डांटा, और वो भी क्षमा याचना करते हैं। एक की क्षमा से वितरागता मिली, दूसरे की क्षमा से दूसरे को भी वितरागता प्राप्त हुई। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड एक ही धर्म है, और वो धर्म का नाम है क्षमापना। भगवान की भक्ति में भी कुछ कमीशन बच जाता है, साधर्मिकों की भक्ति में भी कुछ कमीशन बच जाता है, जीव दया में भी कुछ धर्म अधर्म हो जाता है, लेकिन क्षमापना ऐसा एक धर्म है, ऐसा एक धर्म। और कर लो, कर लो, जिस धर्म की आराधना कंपलसरी करना है। अलग रहना वैर है, एक रहना क्षमापना है, और एक बनने का अवसर मिला है, एक बनने का अवसर मिला है। व्यक्तिगत अहंकार हमको अलग करता है, समष्टिगत मैत्री हमको एक करती है। हाँ, अलग होने के पीछे आप लोगों के घरों में क्या, आप लोगों के संघों में अलग होने के पीछे मिलकत का सवाल नहीं आता है, इतना ममत का सवाल आता है। मिलकत मीन समझे ना आप, स्टेट प्रॉपर्टी नहीं आता है, लेकिन ममत, क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ।
अरे भाई, टू एयर इज ह्यूमन, फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना इंसान की आदत है, लेकिन भूल जाना भगवान का चमत्कार है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। और डिवाइन बन जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो। यदि हम कुछ न कुछ रखकर प्रतिक्रमण करते हैं तो हमारा प्रतिक्रमण फेल है, और यह प्रतिक्रमण आपको फेल नहीं करना है। निर्णय करो, कुछ भी करो, लेकिन मेरा सब हमारा सैद्धांतिक मतभेद है। जाने दे सैद्धांतिक मतभेद को, बाजू पे रख। कौन सा बड़ा सैद्धांतिक मतभेद, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश है। अबे शांति रख, कानून क्या चीज है क्या पता है तेरे को, और कौन सा क्लैश चल रहा है। हकीकत में नाम कॉन्स्टिट्यूशन का है, हम सुरक्षा अपने अहंकार की करते हैं। छोड़ दो, पापियों को परेशान करने वाला काम है कंदर्प है, और धर्मियों को दुखी करने वाला दर्प है। दर्प मीन्स अहंकार। अरे अहंकार के साथ हम जीते हैं, हम किसी से मैं आप सबसे कम हूं, हाँ आप किसी से कम नहीं और मैं आप सबसे कम। यदि वैर का विसर्जन करने में मेरा न झुकना जरूरी हो तो मैं झुकने के लिए तैयार हूं। और जैन संघों की बहुत बड़ी विषमता, क्षमा की बात करने वाला परमात्मा का जैन संघ में जितना झगड़ा चलता है, जितना संघर्ष चलता है, जितना 19-20 चलता है, उतना और कहीं नहीं चलता है। ये कैसा कलंक है। जिस प्रभु ने गौतम को अपना बनाया, जिस प्रभु ने चंड कौशिक को खुद के पास रखा, जिस प्रभु ने संगम के लिए अश्रु बहाया, उस प्रभु के हम अनुयायी और अपने ही जात भाई के साथ दुश्मनी के साथ जिएंगे। और ये दुश्मनी हमको कहां लेके जाएगी। क्षमा धर्म की आराधना का अवसर है। कोई पर्सनली मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पार्ट पर बैठकर सब बात बताऊंगा। और आप लोग इतने ना समझ नहीं हो कि मेरा इशारा को नहीं समझो। हाँ, आप लोग इतने ना समझ नहीं हो, बराबर है रोहित गुरु जी, आपका संग है इसलिए आपको पूछ रहा हूं। क्या बोला, गाली उधर ही देते हैं, रिजाइन हो जाओ यार, मेरे साथ चल। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं पाठ दूंगा। और रोहित जैसा चेला मिल जाए तो व्याख्यान देने की मुझे क्या जरूरत, वही देते रहेगा। मंजूर, नक्की करो, जय बुलाओ। बोलो, कैसे चेला के बिना आचार्य बन नहीं सकते, इसलिए आपको भी आना पड़ेगा। इसमें अरे बोलना नहीं आता है, थोड़ा मैं सिखाता हूँ। अभी भाई चंद्र कुमार जी की इच्छा गुरु जी को आचार्य रूप में देखना हो तो चंद्र कुमार इतना तो बलिदान देंगे ना, गुरु का चेला बनेगा। वो उसके साथ मैं कर लूंगा। हाँ, एक महीने कमिटमेंट। सुरेंद्र गुरु जी का नाम लेते हैं, जो कायम के लिए गुरु जी ही रहने वाले हैं उसका नाम लेके बैठे हैं। नहीं, ये मैं उनके साथ बात कर लूंगा, यदि आपकी रेडी हो तो मैं कर लेता हूँ। बोल देना, आज शाम तक मैं आपको सौदा फाइनल कर देते। चंद्र कुमार जी शिष्य बनते तो रोहित गुरु जी तैयार है, उनको पूछे बिना मैं बोल देता हूँ। एक बार समझ के रखो, वो क्या था पता, 80 साल का एक कपल था जिसमें पति की उम्र 84 की थी और पत्नी की उम्र 82 की थी। और एक दिन 82 वाली पत्नी लुगाई अपने पति को कहती है, कुछ भी हो मैं तो मैके हाली। अरे पति पूछे, कौन वास्ते मायके जा रही है। और तब पत्नी ने कहा, आपकी हर बात मंजूर है, एक बात मंजूर नहीं है। अरे मैं सुधर जाता हूं, तू बोलने क्या तकलीफ है। और तब वो वोरा कपल था, मुस्लिम वोरा, तो वो कहती है,
कि आप खाते हो तो आपकी दाढ़ी हिलती है, वो जमता नहीं है। यहाँ ये चंद्र कुमार, हाँ अभी कमिटमेंट किया है और माइंडसेट उधर ही, बोल दो ना कि मुझे चेला बनना ही नहीं है, इसलिए माइंडसेट लेके बैठे हैं। मगर मेरा इतना जरूर कहना है गंभीरता से, मेरे इशारा के समझ लो, और जो कुछ भी मन मुटाव चल रहा है, हाँ चल रहा है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, उस मन मुटाव बादल आशुत चौथ के पहले समाप्त हो जाना चाहिए। कुछ भी करो, कैसे करना, क्यों करना, आप लोग इतने ना समझ नहीं हो कि मुझे उसका रास्ता निकालना पड़े। समझदार घरों में भी झगड़ा होता है फिर भी शांति करते हो ना, दुकान में भी खींचातानी होती है फिर भी दुकान चलाते हो ना, कैसे चलाते हो खींचातानी में कि शांति करके, तो सिर्फ संग में ही खींचातानी चालू रखना, बाकी कोई जगह मिली नहीं हमको, तीरने की जगह के ऊपर हम डूबने के लिए आते हैं। दुनिया के लोग तो नौकर नहीं गिनने से डूबेंगे, आप तो नौकर गिनकर डूबोगे। दुनिया के लोगों को नौकर नहीं मिला इसलिए वो बेचारे संसार में भटके, और आपको तो धर्म मिला फिर भी भटक जाओगे। यदि हमने वैर का विसर्जन नहीं किया तो हमारा संसार आगे बढ़ता जाएगा, और मन में भी हमारा छोटा सा भी मन मुटाव हो तो वैर का विसर्जन नहीं हुआ है, समाप्त करो, समाप्त करो, क्षमा धर्म की आराधना करो, और एक क्षमा धर्म सेंटर में रखकर, पहले दो बाद में दो, बीच में क्षमा धर्म को स्थापित करके, शास्त्रकारों ने कहा जीव दया साधर्मिक भक्ति, उसके बाद क्या परार्थ, जीव दया मीन्स परार्थ, साधर्मिक भक्ति मीन्स भक्ति, और तीसरा नंबर में आती है शुद्धि, आत्मशुद्धि। आपका वैर और सब दोषों का कैप्टन वैर है, उसको हटाओ, और वो हटाने के साथ शास्त्र कहते हैं क्षमा धर्म की उपासना होती है। महावीर की एक चीज हम अपने जीवन में ला सकते हैं, बाकी महावीर की कोई साधना हम अपने जीवन में नहीं ला सकते हैं। न महावीर का तप हम कर सकते हैं, न महावीर का त्याग हम कर सकते हैं, न महावीर की सहिष्णुता हम ला सकते हैं, न महावीर की जागृति हम ला सकते हैं, न महावीर की वितरागता हम ला सकते हैं, लेकिन एक चीज महावीर की हम ला सकते हैं, और वो क्या है, क्षमापना। कितना कॉमन बन के महावीर जिया होगा कि क्षमापना सबके लिए उसने बनाई। महावीर कहते हैं कि मेरा तप आपके बहस की बात नहीं है, 180 दिन का उपवास निर्जल करके जंगलों में खड़ा रहना, धूप आया तो धूप में खड़ा रहना, बारिश आया तो बारिश में खड़ा रहना, पशु आए तो पशु की खाट सहन करना, सब इसलिए तप सक महावीर का हम एक दिन का नहीं कर सकते हैं। जिस तप महावीर ने 6 महीने का किया ऐसा एक दिन का उपवास आप करके दिखाओ, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। महावीर का तप, महावीर की मैत्री, महावीर की सहिष्णुता, महावीर की समझ, महावीर का त्याग, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है तो मात्र महावीर की क्षमा। जैसी महावीर ने क्षमा किया वैसी मैंने क्षमा किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये महावीर देव की क्षमा धर्म की आराधना तीसरा नंबर के कर्तव्य में प्रत्येक जैन को करना है, ऐसा लक्ष्मी श्री शिव जी महाराज बताते हैं। चौथा नंबर के कर्तव्य में अठम का तप, क्यों भाई, सालों का पाप, एक साल का पाप को खत्म करने के लिए शास्त्रों ने 3 उपवास कहा, प्रत्येक जैन को करना है। कैसी प्रभु की नजर होगी जिस पापों का परिणाम हमको हजारों साल भोगना है, उस पापों का नाश के लिए परमात्मा कहते हैं अठम का तप करो। ये कॉमन पापों के लिए है, पर्सनल पापों के लिए तो आपको आलोचना लेनी ही पड़ती है, कॉमन। हाँ इसलिए कुछ चीज खाने में कॉमन आती है लेकिन कुछ चीज की कमी ना हो तो उसके लिए दवाई लेनी पड़ती है। तो भव आलोचना दवाई है, और जो अठम का तप है वो भोजन है, भोजन के जैसा सबके लिए कॉमन सब। और इसलिए शास्त्र ने कहा 8 दिन में 3 उपवास कर लेना, अठम हो सके तो एक साथ अठम करना, नहीं हो सके तो अलग अलग 3 उपवास करना, नहीं हो सके 6 आइंबिल करना, नहीं हो सके 9 निवी करना, नहीं हो सके, हो नहीं सकता है तो 12 एकासना
और वो भी नहीं हो सकता है तो चॉइस बैसना। और कोई कहते हैं कि महाराज साहब 6 टाइम दवाई लेनी पड़ती है, रात को भी दवाई लेनी पड़ती है, कैसे करना? क्या प्रभु की करुणा होगी, क्या करुणा होगी? शास्त्र ने कहा अट्ठम से जितना रिजल्ट मिलता है उतना ही। तू नहीं कर सकता है, बीमार है, 6 टाइम दवाई लेनी पड़ती है, फिर भी तुझे यदि अट्ठम का तप संपन्न करना हो तो 60 पक्की माला गिन ले, तेरा तप अट्ठम का संपन्न हो जाएगा। कितना परमात्मा ने ध्यान रखा है, कितना ध्यान। क्लास का टीचर क्लास पढ़ाता है ना तो समझ लो कि 50 स्टूडेंट होते हैं ना, तो किसको नजर में रखकर वो पढ़ाता है? ब्रिलियंट को नजर में रखकर के लो वाले को नजर में रखकर? ब्रिलियंट को नजर में रखकर तो सास पढ़ाती है, बाकी टीचर नहीं पढ़ाती। सास तो जो होशियार बहु है उसको पढ़ा लेती है, जो ठोट है उसको छोड़ देती है। इधर से आया आवाज। ब्रिलियंट नहीं, शिक्षक जो होता है वो किसको पढ़ाता है? 50वां नंबर का जो स्टूडेंट है, जो एकदम कॉमन है, बिलो IQ जिसका है, उसको नजर में रखकर 50 को पढ़ाते हैं। प्रभु घोर तपस्वियों को नजर में रखकर धर्म नहीं बताया, प्रभु जो कोई तप नहीं कर सकते हैं ऐसे कंगाल मानवों को देखकर प्रभु ने धर्म बताया है। और प्रभु की नजर जगत के तमाम मानवों के ऊपर टीचर के जैसी है। मासक क्षपण करने वाला भी मेरा विद्यार्थी और बीमार भी मेरा विद्यार्थी, सब मेरे हैं। कोई पाप छोड़ता है वो भी मेरा, पाप करता है वो भी मेरा। और भगवान की नजर पाप छोड़ने वाले के ऊपर नहीं है, पाप करने वाले के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि प्रभु कहते हैं जगत के तमाम जीवों की मैं माँ हूं। और माँ की नजर बीमार के ऊपर ज्यादा होती है, तंदुरुस्त तो अपने आप काम कर लेता है। इसलिए 4वां नंबर का कर्तव्य है अट्ठम का तप, और 5वां नंबर का कर्तव्य आता है फाइनल है, और क्या है? चैत्य परिपाटी। चैत्य परिपाटी मीन्स, चैत्य मीन्स मंदिर को क्यों चैत्य कहते हैं? मंदिर को चैत्य क्यों कहते हैं? चैत्य वंदन मीन्स क्या? महाराज साहब डोंट नो। पेप्सी जानते हैं, अंदर का इंग्रेडिएंट्स नहीं जानते, और हमको तो पीने में इंटरेस्ट है, हमारे को मैकेनिक थोड़ी बनना है। लेकिन चैत्य वंदन, शास्त्र ने कहा चित्त का भाव उसको चैत्य कहते हैं। चित्त का भाव वो चैत्य है, और परमात्मा का मंदिर हमारा चित्त का भाव है चैत्य के रूप में। इसलिए हकीकत में हम चैत्य वंदन करते हैं, मीन्स हमारा भाव को वंदन करते हैं, प्रभु को नहीं भाव को। प्रभु तो मीडिया है, बाकी भाव है, भाव है। इसलिए सिद्धार्थ नारे नंदन विनु विनतड़ी अवधार, तब हकीकत में हमारा भाव ही साक्षात वर्धमान बनता है, और उसको हम विनंती करते हैं कि हे भाव मुझे बचाओ। और एक बात लिख के रखो, प्रभु की करुणा भाव जगाएगी, जगा हुआ भाव हमको बचाएगा। भगवान की करुणा नहीं बचा सकती है यदि भाव नहीं जगा तो, और यदि भगवान की करुणा बचा सकती है तो अभवी को भी बचा ले, लेकिन नहीं बचा सकती है। इसलिए करुणा भाव को प्रकट करती है और भाव हमको बचाती है। ये साइकिल है, करुणा से उद्धार हो जाता तो अनंत तीर्थंकर देवों की अनंत करुणा इस संसार को खाली कर देता, लेकिन नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान की करुणा है, हृदय का भाव ही नहीं है। चैत्य परिपाटी मीन्स जो परमात्मा का जिनालय है, ऋण मुक्ति के लिए प्रभु के पास जाना है। तुभ्यमेव तुभ्यम समर्पयामि, तेरा है तुझे समर्पित करता हूं। साधु बनकर हमने प्रभु को जीवन दिया है, भक्त बनकर आप प्रभु को धन दे सकते हो, अहोभाव दे सकते हो, समर्पण कर सकते हो। और इसलिए ही शास्त्र ने कहा संसारी लोग अपने धन से प्रभु की सेवा कर सकते हैं, साधु लोग अपने जीवन से परमात्मा की सेवा करते हैं। और प्रभु की सेवा वही मानव जीवन की सार्थकता है, और ये चैत्य परिपाटी 5वां नंबर का कर्तव्य है, प्रभु ने दिया है,
प्रभु को देते हैं। प्रत्येक जैन संघ में सामूहिक रूप से चैत्य परिपाटी का आयोजन होता है। इधर भी होगा ना, हर साल होता है, तो 2017 की साल होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो ठीक ना, हर साल होता है कहते हैं, इसलिए पूछा 2017 में क्या है। हाँ, तो 2017 की साल में भी चैत्य परिपाटी सामान्य तरीके से, आप लोगों की आदत हो कि पाचम के बाद सब धर्म भूल जाना, फिर धर्म पूरा हो गया आपकी, आप भी वैकेशन शुरू हुआ। और ये स्कूल ऐसी है कि जिसमें 50 दिन की स्कूल और 300 दिन का वैकेशन। हाँ, हमारी ये स्कूल है 310 दिन का वैकेशन और 50 दिन की स्कूल। और कोई तो इतने ब्रिलियंट होते हैं कि 8 दिन एग्जाम के लिए ही आ जाते हैं, और उनसे भी ज्यादा ब्रिलियंट ऐसे है कि जो रिजल्ट के लिए चौथ के दिन आते हैं, बाकी आते ही नहीं। हाँ, चौथ के दिन रिजल्ट है, 8 दिन एग्जाम है और 50 दिन स्कूल है, बाकी के 310 दिन अशोक भाई क्या छुट्टी। हाँ, पूरा हो गया 50 दिन का ट्रेनिंग। आप लोग कितने ब्रिलियंट हो, हम लोग भी कॉमन लोग है, 360 दिन तक मुपत्ती होगा घुमाते रहते हैं, आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो, वेरी क्लेवर। हकीकत में आपका ही दूध से प्रक्षाल मुझे करना चाहिए। हाँ, इतने लोग जिसके पास 50 दिन में सब आ जाता है, तो मैं क्यों 300 दिन तक दिमाग पच्ची लगाता हूं। तो एक मिल जाना मुझे कि जिसकी सेवा करने से मेरा भी काम हो जाए, नक्की करके आना, मैं कर लूंगा सेवा। हाँ, ये मैं गुरु चेला समझदार हो गया। एक चंद्र कुमार का नाम लेते हैं, एक रोहित का नाम लेते हैं, और दोनों ने काम चलाया, कर लो के। हाँ, ये तो भाई वायरस है और फटाफट लग जाता है, प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ता है, वायरस तो अपने आप, उसको डाउनलोड थोड़ी करना पड़ता है, इसलिए नजदीक में बैठे ब्लूटूथ से सीधा वायरस ट्रांसफर। हाँ, उसमें कोई जरूरी नहीं है।